हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिश कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल शीर खुरमा रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 2 लीटर दूध। दूध को बॉईल करेंगे। दूध बॉईल हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे कि थोड़ा सा दूध जो है वो रिड्यूस हो जाए। तब तक हम सेवई तैयार कर लेते हैं। मैंने ली है 60 ग्राम सेवई या आधा कप, उसे बारीक क्रश कर लिया है। सेवई क्रश्ड हो गई है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके लिए पैन में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। सिमई जो हमने अभी क्रश करी थी, कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए इनको फ्राई करेंगे। सिमई का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। थोड़ा ठंडा करने के बाद हम ऐड करेंगे सिमई को, वरना जो सिवई है अगर हम गरम ऐड करते हैं तो वो एकदम से ऊपर आती है, थोड़ा डेंजरस है। तो इट्स बेटर कि आप जो है थोड़ा ठंडा करके उसको दूध में ऐड करें और लो फ्लेम पर उसको पकाएं। जब तक सिवई पक रही है, हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने लिया है 1/4 कप एलमंड्स। उनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, फिर उसकी स्किन अलग कर उसको बारीक चॉप कर लिया। 1/4 कप पिस्ता, उसको भी मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक करा और फिर उसका स्किन अलग कर उसको फाइनली चॉप कर लिया। 1/4 कप कैश्यू, उसको भी पानी में भिगो दिया और बारीक कट कर लिया है। अब हम पैन में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। उसमें ऐड करेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ता, कटा हुआ काजू। इन सबको हमें फ्राई करना है, कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए फ्राई करेंगे। हमें इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये एकदम लाइट गोल्ड कलर के हो जाएं। ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं, अब हम सिवई चेक कर लेते हैं। सिवई भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। चीनी कम वर्दी आप टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जब चीनी डिसॉल्व हो जाए आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, कम लगे तो और ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से गार्निश के लिए रोक लिए हैं। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान, ये ऑप्शनल है। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें और अगर नहीं है तो इसके बगैर भी शीर बहुत टेस्टी बनती है। अब 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हम शीर को पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर शीर का। शीर रेडी है, फ्लेम कर दें ऑफ और इसको सर्व करें। अगर आपको गर्म पसंद है तो आप इसको गर्म गर्म सर्व करें और अगर आपको ठंडी अच्छी लगती है तो आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें और फिर सर्व करें। गार्निश कर देंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करे थे उनसे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।